हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जैम 2022 के प्रिपरेशन कर रहे हो राइट? लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आईआईटी जैम केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें से कुछ चैप्टर्स है जो कि बहुत बोरिंग है, कुछ चैप्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपको कोई भी चैप्टर छोड़नी नहीं चाहिए, आपको हर एक चैप्टर को फॉलो करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, जो भी इजी या टफ क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर से आएंगे उस क्वेश्चन को ही आप टच नहीं कर पाओगे। जब आप टच ही नहीं कर पाओगे तो एग्जाम हॉल में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 नहीं होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40-50 हो जाएंगे। तो इसलिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करना है, क्या वो चैप्टर बोरिंग हो या फिर वो इंटरेस्टिंग हो, आपको हर एक चैप्टर को डिटेल्स में, डेप्थ में पढ़ना है। तो इसके लिए मे बी आप सोच रहे हो आप किस तरीके से एग्जामिनेशन में स्टार्ट करोगे, किस तरीके से इतना बड़ा सिलेबस जो है इसको ख़त्म करोगे, और जब आप स्टार्ट करोगे तब किस तरीके से अपना माइंड सेट बनाओगे ताकि आपका सिलेबस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और आपका जो प्रिपरेशन लेवल हो वो आईआईटी जैम केमिस्ट्री के प्रिपरेशन लेवल के इक्वल हो। तो अभी तक 150 प्लस स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और उन लोगों को हेल्प मिल चुकी है डेली लाइव क्लासेस से, स्टडी मटेरियल से, वीकली मॉक टेस्ट विथ सॉल्यूशन से, अलोंग विथ दैट असाइनमेंट, डेली जो असाइनमेंट्स होता है उससे और असाइनमेंट के सॉल्यूशन से, अलोंग विथ दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट गाइडेंस, कि आपको एक गाइडेंस चाहिए होगा उस एग्जामिनेशन को उस लेवल पे सोचने के लिए। कि आपको नहीं पता है कि आप एज प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, तो एज आपको नहीं पता, तो आप बेसिकली आपको एक गाइडेंस चाहिए जो आपको ये बता सके कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है, किन किन चीज़ों में कम फोकस करना है। तो इसके लिए आईआईटी जैम 2022 बेंजिन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिस बैच में डेडिकेटेड तरीके से मैं मेरे स्टूडेंट्स को गाइड करूंगा। अलोंग विद दैट डेली लाइव क्लासेस होंगे, नो मोर रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होंगे, डेली लाइव क्लासेस होंगे जहां पे आप अपना क्वेश्चन, अपना थॉट, अपना एवरीथिंग डेली लाइव क्लासेस के थ्रू पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, हाँ मैं तो आपको ये सारी चीज़ें दे दूंगा एक ही एप्लीकेशन के थ्रू, एक ही एप्लीकेशन में लाइव क्लास होंगे, देन रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगे अगर आपने मिस कर दिया। लेकिन एक चीज़ है जो कि मैंने पहले नोटिस किया, स्टूडेंट क्या करते, स्टूडेंट एडमिशन तो ले लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद ओके मैंने एडमिशन ले लिया, अब मैंने छोड़ दिया, उसके बाद स्टूडेंट छोड़ देते हैं पढ़ाई करना। अगर आप इस तरीके से स्टूडेंट हो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, नो आप मत आओ, एडमिशन आप मत लो मेरे पास, ठीक है। अगर आपको आना है देन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना होगा, आपको डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हो सकता है एक दो क्लास मिस हो कुछ रीजन से, बट अगर आप लाइव क्लासेस मिस ही कर रहे हो ज्वाइन नहीं कर रहे हो, क्योंकि 90% स्टूडेंट क्या होते हैं, सब्सक्रिप्शन लेके रख देते हैं, एडमिशन लेके रख देते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन नहीं करते। ये गलती मत करो। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी फॉलो करके आपको पूरा का पूरा सिलेबस डेप्थ में, डिटेल्स में खत्म करना होगा, बोरिंग चैप्टर को भी इंटरेस्टिंग तरीके से समझना होगा, देन यू हैव टू फॉलो द डेली लाइव क्लासेस जो कि इजी केमिक्स एप्लीकेशन में होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप सोच रहे हो कि आईआईटी जैम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके लिए मैं आपको ना कोई ऑफर दूंगा, ना कोई डिस्काउंट दूंगा, कुछ नहीं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आईआईटी जैम 2022 के प्रिपरेशन आप करोगे, देन इट्स अ ग्रेट चांस कि सिलेबस लंबा है, सिलेबस बड़ा है, तो आपको स्टार्टिंग भी पहले से करना पड़ेगा ताकि आप सिलेबस टाइम पे खत्म कर पाओ, आपको रिविजन कर पाओ। सिलेबस तो मैं खत्म कर दूंगा, उसमें इशू नहीं है, बट रिविजन आपको खुद को करना है, दैट इज योर चॉइस। मैं हेल्प करूंगा रिविजन करवाने में, बट दैट वुड बी योर चॉइस कि आपको रिविजन इस तरीके से करना है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, सिलेबस बड़ा है, टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। तो एक ही पार्टिकुलर एप्लीकेशन में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट विथ सॉल्यूशन, असाइनमेंट्स विथ सॉल्यूशन, स्टडी मटेरियल्स, न्यूमेरिकल्स, इवन द गाइडेंस, एवरीथिंग आपको मिल रहा है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट टेक द एडमिशन एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट आप मुझे ये पूछ रहे हो कि सर कब बैच स्टार्ट होगा, कब हम सीखेंगे, तो आप पूछ रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले रहे हो। सो यू हैव टू टेक द डिसीजन कि आइदर आप प्रिपरेशन करोगे नहीं तो आप नहीं करोगे, दैट इज योर चॉइस। बट अगर आप डिसीजन लेना है तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग मत करो, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो डेली लाइव क्लासेस से। एंड वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू गेट सम डेमो क्लासेस, वो भी आपको मिल सकता है। किस तरीके से मिलेगा, बहुत सिंपल है, डेमो लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के टॉप में जो लिंक है, लिंक फिर अप कर दो, आपको मैं डेमो क्लासेस का लिंक पूरा भेज दूंगा, डेमो लाइव क्लासेस का लिंक भेज दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो डेमो लाइव क्लासेस में। तो ऑलरेडी हमने दो चैप्टर खत्म कर चुके हैं, 50 आवर्स से ज्यादा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, तो why you are wasting your time? ऑलरेडी जो स्टूडेंट बेंजिन बैच में प्रेजेंट है वो तो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना,
So why you are getting late? Don't get late. Start your preparation as soon as possible. So meet you in the Benjin Batch live classes.